सिद्धार्थनगर के वर्डपुर स्थित विद्या हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का लगाया बड़ा आरोप। विद्या हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सद्दाम खान पत्रकार मेरे हॉस्पिटल पर आकर मुझसे 25,000 की मांग करने लगे और कहने लगे आपके बगल में आशा हॉस्पिटल का जांच चल रहा है, आपको जांच से बचाना है तो मुझे 25,000 रुपए दीजिए, आपके हॉस्पिटल का जांच नहीं होगा, मेरा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उठना बैठना है। डॉक्टर अजय कुमार यादव ने पैसा देने से इनकार कर दिया, कहने लगे मेरा हॉस्पिटल लीगल तरीके से चल रहा है, आपको किस बात का पैसा दूं? इतना कहते पत्रकार सद्दाम खान मेरे हॉस्पिटल का वीडियो बनाने लगे और वीडियो बनाते ही चले गए। जहां नर्स कपड़े बदल रही थी, कपड़े बदल रही नर्स का वीडियो बनाने लगे। उसने विरोध किया तो उसके साथ बदतमीजी व छेड़खानी शुरू की, जिसके बाद विद्या हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय यादव ने सिद्धार्थनगर की पुलिस अधीक्षक को मोहाना थाने पर लिखित तहरीर दी, लेकिन अभी तक आरोपी पत्रकार के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अजय यादव ने कहा अगर आरोपी पत्रकार पर कार्यवाही नहीं की जाती तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से जनता दरबार में जरूर करूंगा। मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव विद्या हॉस्पिटल मोहाना रोड बैठपुर का संचालक हूं। मेरे यहां का कोई मामला नहीं है, मेरे बगल में चल रहे आशा हॉस्पिटल में एक सिजेरियन के बाद एक बच्चा हुआ या दो बच्चा हुआ ये वहां का मामला है, मेरे यहां का कोई मामला नहीं है। इसके बाद सद्दाम खान एक न्यूज पत्रकार आते हैं और हमसे कहते हैं कि आप जो है आपके बगल के हॉस्पिटल में कार्रवाई चल रही है, यदि अगर जो कार्रवाई से आप बचना चाहते हैं तो मुझे आप 25,000 रुपया दे दीजिए, मेरा अधिकारियों के साथ उठना बैठना है। मैंने कहा कि मेरा हॉस्पिटल लीगल ढंग से चल रहा है, मैं आपको किस बात का पैसा दूँ? इतना कहते ही सद्दाम खान भड़क गए, उसके बाद मेरे हॉस्पिटल का वीडियोग्राफी करते हुए नर्स स्टाफ रूम तक गए, जिससे एक नर्स से छेड़छाड़ हुआ, बदतमीजी भी किया। इनके विरुद्ध मैं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व मोहाना थाना को तहरीर दे चुका हूँ। यदि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री रख जाऊंगा। ये वीडियो जो सद्दाम खान चला रहे हैं ये 6 वर्ष पुराना है, जो 1.5 साल पहले वायरल हुआ था और इस पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा कार्रवाई हो चुकी है, जिसका मेरे पास साक्ष्य है। और ये मामला मीडिया में भी आया था, उसका भी मेरे पास साक्ष्य है, यही सारा मामला है।